हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म शोले से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। ठाकुर बनना चाहते थे धर्मेंद्र, जय के लिए शत्रुघ्न सिन्हा थे पहली पसंद। रमेश सिप्पी निर्देशित शोले हिंदी सिनेमा की एक ऐतिहासिक फिल्म है। शोले ने हिंदी सिनेमा को एक नई दिशा दी। तो चलिए सुनते हैं कुछ अनसुने किस्से। रमेश सिप्पी निर्देशित शोले हिंदी सिनेमा की एक ऐतिहासिक फिल्म है। शोले ने सिनेमा निर्माण को नई दिशा दी। फिल्म दो दोस्तों जय अमिताभ बच्चन और वीरू धर्मेंद्र की कहानी है, जिन्हें ठाकुर संजीव कुमार ने डाकू गब्बर सिंह अमजद खान से बदला लेने के लिए रखा था। फिल्म के एक एक डायलॉग से लेकर सीन तक लोगों को आज भी याद है। ऐसी यादगार फिल्म बनाने वाले रमेश सिप्पी बताते हैं शोले के कुछ ऐसे किस्से जिनके बारे में जो लोगों को शायद ही पता हो। मुंबई के मिनर्वा थिएटर में शोले 1975 से 1980 तक लगातार 5 साल तक चलती रही। किसी फिल्म को लेकर दर्शकों की दीवानगी किस कदर थी, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। इस फिल्म को सलीम खान और जावेद अख्तर ने लिखा था, जो उस वक्त सलीम जावेद के नाम से फिल्म लेखन का काम करते थे। इसके लिए उन्हें 10,000 रुपये दिए गए। 1970 में यह बड़ी रकम होती थी। फिल्म में ठाकुर का किरदार धर्मेंद्र करना चाहते थे। फिल्म की स्क्रिप्ट सुनने के बाद उन्हें लगा इसकी कहानी ठाकुर और गब्बर के इर्द गिर्द ही है। निर्देशक रमेश सिप्पी ने उन्हें बहुत होशियारी के साथ मनाया। रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र को मेन अमिताभ बच्चन ने किया था। सलीम खान ने जय के किरदार के लिए अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया था। सलीम खान पहले ही फिल्म जंजीर के वक्त अमिताभ बच्चन से मिल चुके थे। वहीं धर्मेंद्र ने भी अमिताभ के नाम की सिफारिश की थी। फिल्म का वह सीन काफी लोकप्रिय हुआ जिसमें जया बच्चन लैंप बुझाती हैं, जबकि अमिताभ बच्चन माउथ ऑर्गन बजाते हैं। उस सीन को शूट करने में 20 दिन लग गए थे। दरअसल रमेश सिप्पी और सिनेमेटोग्राफर द्वारका दिवेचा सीन में सूरज डूबने और रात के बीच के कुछ मिनट को फिल्म में दिखाना चाहते थे। गब्बर का रोल पहले डैनी डेंजोंगपा को अप्रोच किया गया था, लेकिन वह उस वक्त अफगानिस्तान में धर्मात्मा कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने फिल्म को मना कर दिया। गब्बर सिंह के डायलॉग कितने आदमी थे ने टहलका मचा दिया, और आज भी ये डायलॉग इतने हिट हैं। आपको हैरानी होगी कि फिल्म में गब्बर के केवल 9 सीन हैं। सलीम खान के पिता पुलिस में थे। उन्होंने गब्बर नाम के एक डाकू की कहानी उन्हें सुनाई थी, जो कुत्ते पालता था और पुलिस की नाक काट देता था। इस तरह गब्बर सिंह का नाम पड़ा। शोले उस वक्त की सबसे महंगी फिल्मों में से थी। पहले इसके बजट का अनुमान 1 करोड़ था, लेकिन बाद में यह 3 करोड़ तक पहुंच गया। तो दोस्तों, आपको शोले फिल्म से जुड़ी बातें कैसी लगी, मुझे जरूर कमेंट करें। एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।